अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति की बैठक संपन्न। चास के जोधाडी मोड़ स्थित अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के प्रधान कार्यालय में सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बादल चंद्र बावरी ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से समाज के बोकारो जिला अध्यक्ष सुभाष बावरी, महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, चंदन क्यारी के चंदन बावरी समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुभाष बावरी ने कहा कि आज की बैठक में नए साल में समाज के उत्थान के लिए कौन कौन सा काम करना है उस पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर चंदन बावरी ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा और समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। चंदन बावरी ने कहा कि इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। समाज के लोग हर जगह पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं तथा समस्या की जानकारी ले रहे हैं। जल्द ही समाज के लोगों की समस्या का समाधान भी होगा। वहीं बोकारो महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने कहा कि समाज की महिलाओं का कमेटी का गठन बहुत जल्द किया जाएगा तथा पूरे जिले में शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से राजेश बावरी, आनंद बावरी, बीरबल बावरी, महेंद्र बावरी, मुकेश बावरी, उमेश बावरी तथा काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। देखिए, आज का ये जो बैठक है इसमें सभी दूर दूर से गांव से जो जितने भी आए हैं सभी ने अपना अपना विचार रखा है और सभी के विचारों पर परामर्श करके कैसे जो आगे का काम होगा वो करना है। सभी का विचार अच्छा है तो सभी को सुन के क्या क्या करना है वो करेंगे। क्या महिला समिति, आप जिला अध्यक्ष हैं महिला बोकारो के, क्या समिति का विस्तार होगा? जी हाँ, जरूर होगा। मैंने कब तक करेंगे? जितने भी जनवरी से ही शुरू होगा। जितने भी महिलाएं सबके डोर टू डोर जाके सबको जागृत करना है, सबको समझाना है कि सब आइए समाज से जुड़िए और उनको शिक्षा के बारे में भी बताना है। महिला को उत्थान और शिक्षा मेन उद्देश्य है। जितने भी महिलाएं हैं सबको यही बताना है कि सब आगे आइए हमारे साथ जुड़िए। मैंने शिक्षा उत्थान ही मेन उद्देश्य है आपका ना? ठीक, बताइए क्या हुआ आज के शुरुआती दौर में। हम लोग समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, जो कि पहला मुद्दा होगा समाज का विस्तार करना में वो आता है एक सदस्यता अभियान जो जोर शोर से चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। दूसरा है युवा समितियों का हम लोग सोचे हैं और मैंने गठन करने के लिए युवा समिति का गठन करेंगे। और दूसरा है महिला समिति का जो विस्तार करना और उसको विस्तार के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण को आगे ले जाना। मैंने यही मुद्दा है जी। चंदन जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या जी। आज का विशेष कार्यक्रम, हमारे सभी केंद्रीय सदस्य और हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस उपस्थिति में अहम विस्तार के रूप में हम सभी आपसी सहमति बना करके कुछ अहम निर्णय हमारे समाज के उत्थान के लिए लिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम सदस्यता अभियान किस तरह हमारे लोगों को किस तरह जुड़ा जाए, उसके विश्वास किस तरह लिया जाए, महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह आगे बढ़ा जाए, युवा मंच का किस तरह गठन किया जाए, प्रखंड कमेटी का किस तरह गठन किया जाए, इसी प्रमुख बंदियों को अहम मानते हुए हमारे समाज के उत्थान के लिए हम आपस में बैठ के सहमति। मैंने ये 2024 के लिए है। 2024 के लिए है। अच्छा, और साथ ही साथ पारिवारिक सर्वेक्षण के लिए भी कि हमारे जितने भी परिवार किसी भी समस्या के कारण जूझ रहे हैं उसके निवारण के लिए किस तरह बैठक में किस तरह विचार किया जाए, इसे ही आपसी सहमति के लिए हम आपस में बैठे हैं। आगे क्या और क्या रहेगा कार्यक्रम जी? आगे हमारे सर्वप्रथम बिंदु आज के जैसे निवार लेंगे कि यही बिंदु आए हैं सभी सदस्यों के द्वारा, सभी गणमान्य के द्वारा, कि शिक्षा की ओर सर्वप्रथम प्रयास किया जाए। मेन फोकस शिक्षा के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। चलिए ठीक।